नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका आप इसके डेली हिंदी एडिटोरियल डिस्कशन में। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले 5 आर्टिकल, जिसमें से एक पहला आर्टिकल है, अलग होता है वोट और विधायिका का बहुमत। यहाँ पास थोड़ा सा इस आर्टिकल को मैंने यहाँ पास इसलिए इंक्लूड किया कि थोड़ा सा इससे आप लोगों के व्यू भी थोड़ा सा बनेंगे, है ना, और ये जानना मतलब कि जरूरी भी किस प्रकार से हमारी पॉलिटिक्स में किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। जैसे हाल ही की महाराष्ट्र की घटनाओं को भी हम देख सकते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पास डिस्कस थोड़ा सा किया गया है। तो ये जैसे कि अलग होता है वोट और विधायिका का बहुमत, किस प्रकार से वोट का जिस प्रकार से वोट दिए जाते हैं और विधायिका का किस प्रकार से बहुमत, इन चीज़ों में थोड़ा सा किस प्रकार से वेरिएशन देखने को मिलता है, तो इस आर्टिकल में उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। वहीं अपना नेक्स्ट आर्टिकल है कि ये बुलबुल साइक्लोन जो आया है वेस्ट बंगाल रीजन में, तो उससे रिलेटेड इस आर्टिकल में थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वहीं पर नेक्स्ट आर्टिकल है कि पूर्वाग्रहों से मुक्ति के लिए पुनर्जागरण की जरूरत। ये रामेश सिद्दीकी जी का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। ये जो अयोध्या वर्डिक्ट अभी हाल ही में आया है, तो उसी के संदर्भ में जो है, तो कुछ यहाँ पास नए डायमेंशन राइटर ने दिए हैं कि किस प्रकार से अब इसमें भी जो हमारी पूर्वाग्रह भ्रांति थी, है ना, तो उनको अब छोड़कर किस प्रकार से नए पुनर्जागरण की जरूरत भारत के संदर्भ में देखा जाए, तो यहाँ पर मतलब कि राइटर ने बताया गया, तो उसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वही अपना ये याद रहेगा निडर था, यह टीएन सेशन जी के से रिलेटेड आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, है ना, कि जिस प्रकार से हालांकि टीएन सेशन जी का तो जैसे चुनाव के संदर्भ में बात की जाए, तो इसमें निष्पक्षता भ्रष्टाचार मुक्ति है ना, और पूरी तरह से पारदर्शिता संबंध, तो उनके मतलब कि एक प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छा एक प्रकार से उनको आइकॉन के तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से उन्होंने जो चुनाव सुधार में किस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ना? उसी से वहीं अपने नेक्स्ट आर्टिकल जो कि समझौतों का लाभ लेने के लिए तैयार हो भारत, ये आरसीपी पंत जी का आर्टिकल है। ये आरसीपी से रिलेटेड आर्टिकल है, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ नए तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी होगा तो हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि हम लोगों ने आरसीपी के बारे में काफ़ी विस्तार से अपने पहले कुछ आर्टिकलों में डिस्कस भी किया है, ना, तो हम चलेंगे अपने आर्टिकल की तरफ, पहले आर्टिकल की तरफ, कि जैसे कि बात करते हैं कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में सरकार बनने जो गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, तो वहाँ पर जैसे कि अब राष्ट्रपति शासन भी लागू, वहाँ पास इन्हीं गतिविधियों की वजह से राष्ट्रपति शासन भी लागू कर दिया गया है, ना, तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पास सत्ता की एक प्रकार से लोलुपता की इस हद तक मतलब कि देख सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियाँ किस प्रकार से अपने सत्ता में आसीन होने के लिए जो है, तो किस मतलब कि कितना ज़्यादा मतलब राजनीतिक समीकरण वहाँ पास देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पास कि जैसे कि जनता से वोट मांगने में तो मतलब कि वो कई मतलब हथकंडे अपनाते हैं, है ना, जैसे कि देखे कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, और ताकि जो है जनता से वोट खींचे जा सके, है ना, अपने चाहे वो वैचारिक दृष्टिकोण से हो, किसी भी जाति वर्ग भेद इस हिसाब से हो, किसी भी तरीके से जो है तो कैसे विभाजन करके और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पास देख सकते हैं कि जनता ने इस सरकार के लिए तो वोट नहीं दिया था कि आप मतलब कि जिस प्रकार से ध्रुवीकरण करके वोट लिए जाते हैं, है ना, और उसके बाद फिर जो है तो वहाँ पर सत्ता के लिए किस प्रकार से किस हद तक मतलब कि जो राजनीतिक पार्टियाँ उनके उसमें देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से भारत के प्रजातंत्र में कहने को तो बहुमत का शासन होता है, लेकिन वो बहुमत विधायिकाओं में संख्या के आधार पर होता है, यहाँ पास फर्क देखने को मिलता है ना, कि जैसे कि वोट का बहुमत और विधायिका है, तो इन दोनों की जो बहुमत है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पास वेरिएशन देखने को मिलता है, है ना। जैसे कि जो जनमत है, तो जनमत को तो एक प्रकार से अवहेलना है यहाँ पास कहा जा सकता है कि उसकी अवहेलना होती है, और वह भी संविधान का एक प्रकार से अनुपालन करते हुए, है ना, कि हमारे संविधान में इस प्रकार से देखने को मिलता है कि जनमत का कोई ज़्यादा उसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देखने को मिलती है, हमारे संविधान की एक प्रकार से संविधान के दायरे में ही रह करके उसकी अवहेलना यहाँ पास देखने को मिल रही है, क्योंकि उसमें संविधान के हिसाब से बात की जाए तो उसमें लोकसभा या विधानसभा में बहुमत ही सरकार का आधार है, इस प्रकार उसमें मतलब कि लीगल तरीके से बात की है, तो उसमें ऐसे हैं, है ना, तो इसमें हम उदाहरण के तौर पर देख भी सकते हैं जिस प्रकार से कर्नाटक में और अन्य राज्यों में जो है तो इस प्रकार से गतिरोध देखने को मिला चुनाव, वहाँ पास जैसे कर्नाटक में भी तो एक बार मतलब कि अल्प मतलब कम बहुमत की जो पार्टी थी उसने अपनी सरकार बनाई थी, उसके बाद फिर राजनीतिक गतिरोध देखने को मिला, और कुछ ही साल में जो है तो फिर दूसरी पार्टी ने सरकार बनाई, तो यहाँ पास देखा जाए क्या भारतीय प्रजातंत्र वास्तव में प्रजा का तंत्र है, ना, यहाँ पास ये भी सवाल उठता है भाई, क्या हम मात्र राजनीतिक वर्ग को बुरा भला कह करके उसे क्रिटिसाइज़ कह कर क्या बच सकते हैं, ना, क्या जब हम जातिवाद क्षेत्रवाद भाई भतीजावाद से प्रभावित होकर के वोट करते हैं, तो कभी सोचते हैं कि हमने जिसे 2 दिन पहले अपना मतलब कि नेता चुना था, तो उसे शॉर्ट में इस प्रकार से मतलब कि आराम फरमाने इस प्रकार से डर से छोड़ा जाएगा कि वह पैसा या पद अन्य के लालच में मतलब कि दूसरी उसमें शामिल हो जाए अपने हित के हिसाब से। वहीं हम देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पास कई ऐसे भी मतलब कि नेता देखने को मिल सकते हैं कि जो एक कर से कह सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार या अन्य उसमें जो है तो जनता के सामने मतलब कि वो
स्पष्ट तौर पर उनको देखा भी जा सकता है, लेकिन फिर भी जनता है तो उन्हें ही अपना उनके या उनके उत्तराधिकारी जो भी होते हैं तो उन्हें ही अपना प्रतिनिधि चुनती है ना। तो इस पर जैसे देख सकते हैं कि जैसे अंग्रेज़ यदि कुछ यहाँ पर से देखा जाए तो अंग्रेज़ शासकों और राजनीति शास्त्र के जो पंडित हैं तो उन्होंने मतलब कि इन्होंने आगाह किया था कि भारत में जो ब्रितानी वेस्टमिंस्टर मॉडल है वो ना लाएँ। ये ब्रितानी वेस्टमिंस्टर मॉडल जैसे कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की उसमें है तो उससे संबंधित है, तो इसमें मतलब कि क्योंकि इसकी सफलता के लिए जो है तो परिपक्व वैज्ञानिक और तार्किक सामूहिक चेतना की जरूरत होती है। मतलब कि राइटर के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि जो वहाँ पर ब्रिटेन की ये वेस्टमिंस्टर प्रणाली लाई गई है भारत में तो उसमें जो है तो काफ़ी मैच्योर और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ ही जो है तो काफ़ी ज़्यादा तार्किक सामूहिक चेतना की जरूरत होती है। तो आज विकास विहीन जैसे कि यूपी हो या बिहार उसमें भी इस प्रकार की जो प्रयोग है उसकी भी असफलता के इनको सबूत के तौर पर बताया गया है राइटर के तौर पर। यहाँ पर हमें इस दिशा में भी थोड़ा सा मतलब कि विचार करने की जरूरत है ना। और स्पेशली इस आर्टिकल को यहाँ पर डिस्कस करने का मतलब यही है कि इसमें से थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आपके भी व्यू जनरेट हों है ना, पॉलिटिकल व्यू से जो हमारी पॉलिटिक्स के उसमें जो है हमारे सोचने का जो डायमेंशन है ना, तो इसी वे पे होना चाहिए कि हमें जो है तो उसको अपने जो हमारे संसदीय मॉडल है ना, तो जो हमारी डेमोक्रेसी है तो उससे रिलेटेड जो है तो उसी संदर्भ में हमें सोचने की जरूरत है। बाकी तो पॉलिटिकल चीज़ें तो हमें उनको ज़्यादा मतलब तवज्जो नहीं देनी है, इंडिविजुअल किसी को टारगेट करने की जरूरत नहीं है ना। स्पेशली हमें ये ध्यान देना है कि जो पॉलिटिक्स में भी हमें जब क्रिटिसाइज़ करना होगा तो इसी डायमेंशन से क्रिटिसाइज करना है जिस टेने के लिए तैयार हो भारत। तो जैसे कि हम लोगों ने बात भी की RCEP के बारे में काफ़ी विस्तार से भी बात, तो यहाँ पास कोई ज़्यादा खास नई चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं, वही चीज़ें यहाँ पास भी बताई गई हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर RCEP को भारत ने आखिर उसमें जो भारत की चिंता थी भारत ने उसको स्पष्ट भी किया था ना, चाहे वो बेस ईयर वाली प्रॉब्लम हो चाहे और भी ज़्यादा भारत की घरेलू आर्थिक MSME सेक्टर डेयरी उद्योग और भी जो चीज़ें हों, साथ ही साथ वहीं समस्याएं जो है चीन की जो डंपिंग की मतलब कि भारत के व्यापार में किस प्रकार से चीनी माल जो है तो अपनी पैठ जमा रहे हैं है ना। तो इस प्रकार की जो है तो इसी से और रिलेटेड साथ ही बात करें कि यहाँ पास RCEP के जो 15 में से 11 जो देश जो है तो उनके साथ लगभग भारत के 105 अरब डॉलर का जो व्यापार घाटा है, वहीं चीन के साथ लगभग 53 अरब डॉलर के व्यापार घाटा है। तो चीन अपने जैसे निर्माण उद्योग के लिए भी भारत के बाजार में अपनी ज़्यादा पहुंच बनाना ही चाहता है ना, इसलिए जो भारत को काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करना भी चीन चाहता था। हाँ, तो जिस प्रकार से भारत अपने उद्योगों और किसानों को चीनी आय से बचाना चाहता है तो इसीलिए भारत की कुछ अपनी समस्या थे भारत ने हालांकि उसको स्पष्ट किया तो RCEP ने उसको ज़्यादा मतलब गंभीरता से नहीं लिया है ना। तो यदि बात करते जैसे घरेलू स्तर पर भी समझौते का विरोध हो ही रहा था और कई डायमेंशन थे जिसके कारण जो है तो भारत ने इसमें रुझित हो ही गया था। और अगर ये समझौता हो जाता तब यदि हम बात करें तब तो दुनिया की जो आधी आबादी है तो उसका लगभग लगभग 40% जो है तो व्यापार और 35% जो GDP उसके साथ जो RCEP है तो दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है ना। और भारत इसमें जो है तो थर्ड बड़ी इकोनॉमी होती। तो ये बात करते हैं कि भारत के बिना तो RCEP उतना ज़्यादा आकर्षक और व्यापार समझौता नहीं रह गया है, लेकिन जैसे कि चौंकाने वाला तो ये नहीं कहा जा सकता कि भारत के बिना RCEP पर आगे बढ़ने को लेकर आसियान में भी मतभेद उभर आए हैं है। तो जैसे देखते हैं कि भारत के द्वारा RCEP से अलग रहने के फैसले से निश्चित तौर पर देखें कि जो भारत की लंबी योजना उसको लेकर तो चिंता जाहिर ही है। अगर भारत ने क्षेत्र में अपनी भूमिका को फिर से बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हिंद प्रशांत नीति पर भारत की जो है तो सवाल निश्चित तौर पर उठना वाजिब है ना। अब जैसे कि हम बात करें कि भू राजनीतिक और भू आर्थिक उस पर देखा जाए तो हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है तो उसमें चीन भी काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभुत्व स्थापित करने को लेकर आगे ही देखने को मिलता है उसको जो एक्टिविटीज़ हैं ना। तो ये पूरा क्षेत्र उसमें भारत के लिए ये ज़्यादा सकारात्मक इसको नहीं माना जा सकता कि चीन यहाँ पर ज़्यादा मतलब कि अपनी पैठ जमाए, क्योंकि यही इसी कारण जो है तो जापान भी भारत को उसमें मतलब कि इसमें शामिल होने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो भी कन्विंस करने का प्रयास भी कर रहा है ना। तो जैसे देखें कि चीन के द्वारा जल्द समझौते के दबाव के बावजूद भी जो जापान के वाणिज्य मंत्री की बात किया उन्होंने हिरोशी काजियामा, तो इन्होंने भी कहा कि टोक्यो ये चाहता कि भारत जो है तो इन 16 देश जो कि किसी समझौते पर पहुँचे और वे इसके लिए भूमिका निभाना चाहते हैं तो भारत भी मतलब कि इसमें यानी कि भारत को भी जो है तो जैसे कि आर्थिक तौर पर अलग थलग रहना भारत के लिए भी कोई ज़्यादा विकल्प नहीं है ना। तो भारत भी इसमें मतलब कि शामिल होने के उन्होंने कहा था, इसीलिए वो द्विपक्षीय समझौतों की ओर एक तरह से भारत के संदर्भ में बात किया। तो भारत भी अब हालांकि द्विपक्षीय समझौते भी भारत प्रयास कर रहा है ना, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर जैसे मुक्त व्यापार में वैसे भी जो है तो भारत को और भी जैसे आसियान से बात की जाए, वहीं यदि हम कुछ अलग उसमें बात किया तो और भी देशों में जैसे कि उससे भारत के काफ़ी ज़्यादा व्यापार घाटे देखने को मिल रहे। हालांकि जो तो भारत अपने उसमें काफ़ी ज़्यादा रिव्यू भी कर रहा है, हालांकि पिछले साल जैसे कि आसियान से भी भारत ने अपने जो व्यापारिक घाटा हो रहा था उसके बारे में रिव्यू करने के लिए भारत ने मतलब कि उनको राजी भी कर लिया है ना। तो यदि हम देखते हैं कि जैसे भारत जो है तो इस तरह के समझौतों को लाभ लेने के लिए खुद को एक प्रकार से भारत को भी अपनी पूरी तरह से भारत को तैयार करना होगा अपने आप को है ना। ऐसे देखते हैं कि घरेलू सुधार की भी ज़्यादा मतलब कि समय है कि भारत को अपने घरेलू स्तर पर भी एक प्रकार से अपने
कह सकते हैं कि जो आर्थिक अवसंरचनात्मक सुधार भी काफ़ी कुछ किए जाने की जरूरत है ना, जैसे कि भारत को ऐसी रणनीति की जरूरत है जो कि उसकी कूटनीतिक सोच के आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को दोनों को एक साथ साध सके, है ना। तो RCEP को हालांकि नकार करके भारत ने संकेत तो दे दिया है कि हर कीमत पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से चीन के उभार से वो निपटने का प्रयास करेगा, लेकिन पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के जैसे बाकी देश हैं तो भारत के कदम का किस प्रकार से रिस्पॉन्स देते हैं उससे ही एक प्रकार कह सकते हैं कि भारत को भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन का भविष्य निर्धारित करने का एक प्रकार से डायरेक्शन भी मिलेगा, उससे मतलब कि और भी ज़्यादा मतलब कि मुक्ति के लिए पुनर्जागरण की जरूरत है। रामेश सिद्दीकी जी का काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, जिस प्रकार कह सकते हैं कि जो अयोध्या का हिस्टोरिकल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सदी मतलब कि कई दशकों से ये जो तो मतलब मामला काफ़ी दिनों से लंबित भी था, है ना। तो जैसा कि जो ये डिसीजन आया तो इससे काफ़ी मतलब सौहार्द सांप्रदायिक सौहार्द की एक कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो तो यहाँ पास एक मजबूत नींव ही इसमें रखने का प्रयास किया है, है ना। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो वर्डिक्ट आया है तो जैसे कि उसमें मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट स्थापित करने और मस्जिद के लिए अलग से एक वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का जो आदेश दिया गया है, तो इसमें देखा जाए कि विवाद तो हमारे समय के मतलब कि काफ़ी पुराना ये मामला जिस प्रकार से था तो उसका इसको अब अंत ही माना जाना चाहिए कि इसको एक प्रकार से ये सॉर्ट आउट कर लिया गया है, है ना। अब ये देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पास मतलब राइटर ने ये भी कहा कि जैसे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको भी अब इससे सबक लेना होगा कि सामाजिक सद्भाव कायम करने में आगे बढ़कर वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, है ना। वहीं जैसे कि 1947 में धर्म के आधार पर जिस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गहरे एक प्रकार से अपनी जड़ें ही जमा ली थी, इस प्रकार से विभाजन जो तो सांप्रदायिक तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पास जो इस प्रकार से विभाजन हुए थे, वही जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी हिंदू मुस्लिम ये ऐसे समुदाय थे जो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे उसके पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी, और ये मतलब कि इन्होंने कह सकते कि हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में इनकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही दोनों की, है ना। बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया था दोनों दलों, है ना, दोनों कम्युनिटी के लोगों ने। लेकिन विभाजन के बाद जैसे कि प्रेम सद्भाव और भाईचारे जैसे जो भावनाएँ हैं, है ना, तो इन्होंने जो एक प्रकार से नाराजगी अविश्वास और संदेह में ये भावनाएँ जो तब्दील हो गई थी विभाजन के लगभग 4 दशक के बाद। जैसे ये जो मामला था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कभी बात तो इसने भी इसको और ज़्यादा बढ़ाने का ही काम किया था, है ना। तो जैसे कि हालांकि मुस्लिम नेता इसे सद्भाव बहाल करने के लिए दूसरे ऐतिहासिक अवसर के रूप में भी ईमानदारी से स्वीकार करके वहां पर मस्जिद को एक स्थानांतरित करके करने का सुझाव दे देना चाहिए था, लेकिन ऐसा मतलब हुआ नहीं, है ना। तो जैसे कि उसके उदाहरण और देखे भी जा सकते हैं कि बहुत से ऐसे इस्लामिक कंट्री हैं जहाँ पर ऐसे कि मस्जिदों को मतलब स्थानांतरित भी किया गया है। तो मुस्लिम देश जैसे देखते हैं कि इस मामले में को पहले ही अपना चुके थे, है ना, जो अपने अर्थव्यवस्था की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने अपने यहाँ स्थित मस्जिदों को स्थानांतरित कर रहे थे। तो धर्म एक ऐसा अनुशासन है जो अपने अनुयायियों को समाज का एक शांतिपूर्ण सदस्य बनने का संदेश देता है, है ना। यदि हम धर्म के हिसाब से बात करते हैं तो धर्म इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो सांप्रदायिकता फैलाने के हिसाब से नहीं बल्कि एक कह सकते हैं कि एक अनुशासन के तौर पर अनुशासित करता है लोगों को, बड़ी समुदाय को, है ना। तो यहाँ पास जैसे कहते हैं कि यहाँ पास तो एक प्रकार से विपरीत धर्म को हमेशा एक विभाजनकारी शक्ति के रूप में देखा गया है, यहाँ पास एक प्रकार से उल्टे उसके आउटकम देखने को मिले, है ना। यहाँ पास जैसे कि राइटर ने कुछ अपने जो एक्सपीरियंस है उनके हिसाब से उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि भारतीय मुस्लिम के दृष्टिकोण से बात करें, उन्होंने कहा कि वो नेतृत्व समूचे अयोध्या प्रकरण में मुस्लिम समुदाय के विचारों को एक सकारात्मक ढांचा वो नहीं दे पाए, है ना। जैसे कि समुदाय के नेताओं को अतीत से बाहर आकर के देश को जो है तो विकास की एक बात किया तो दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए थी, है ना, कि इसके बजाय वो नकारात्मकता को फैलाएं। तो देखते हैं कि जैसे कि एक राष्ट्र अपनी संस्कृति समाज आस्था और इतिहास का एक सम्मिश्रण होता है, है ना। तो संस्कृति और इतिहास का संरक्षण और किसी धर्म या आस्था में विश्वास जो होते हैं वो किसी भी समाज के अस्तित्व के दो अलग अलग पहलू हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे जैसे कि अरब देशों में अपने इतिहास को जो है तो पुनर्स्थापित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा निवेश इन्वेस्टमेंट किया है, है ना। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने अपना धर्म ही त्याग दिया है। जैसे कि यहाँ पर राइटर ने बताया कि अपने एक्सपीरियंस बताते हुए कहते हैं कि जैसे संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में जब वो एक बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम में गए तो उन्होंने बताया कि जब मैंने वहाँ पास मिस्र के हाल का दौरा जब किया तो मुझे ये देख करके बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि एक मुस्लिम देश होने के बावजूद मिस्र अपने इस्लाम से पूर्व की संस्कृति को किस प्रकार से विश्व के सामने रिप्रेजेंट करने में मतलब कि बिल्कुल भी हेस्टेट नहीं होता है, है ना, बल्कि वह इस्लाम पूर्व की जो संस्कृति है तो उसको मतलब कि एक प्रकार से अपना अभिन्न अंग मानता है, जो
पूर्व की कल्चर है, इस्लाम के पहले की भी जो संस्कृति है, जो भी परंपराएं, धर्म से रिलेटेड जो भी और जो चीज़ें थी, तो उसको एक प्रकार से जो है तो अपने आप से संजो करके उसने रखा है ना। जैसे कि हमें इससे काफ़ी कुछ सीखने की जरूरत है। साथ ही जो मिस्र का इतिहास की बात की जाए तो उसमें जैसे कि मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन हैं वो यहीं पास पनपे थे, लेकिन ऐसा हिंसक संगठन भी जो है तो मिस्र को अपने इतिहास और संस्कृति का सम्मान करने से नहीं रोक पाया। तो भारतीय मुस्लिमों के लिए भी ये मतलब कि ज़रूरी है कि वे इस देश का नागरिक होने के कारण यहाँ के विकास और भारत की प्राचीन संस्कृति के संरक्षण में एक अपने महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाएं, है ना। जैसे कि भारत तो हमेशा से आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान का जन्म स्थान ही रहा है, तो एक भारतीय के रूप में हमारे लिए आवश्यक है कि हम स्वयं को बेहतर बनाते हुए एक दूसरे की आस्थाओं का भी सम्मान करें, है ना। ये मतलब कि हिंदू मुस्लिम दोनों को ही कम्युनिटी की मतलब कि जरूरी है कि ना कि हम दोनों एक दूसरे के धर्म को ऊँचे या नीचे या एक तरह से कोई किसी को ऊँचे निम्न मानने के बजाय दोनों एक दूसरे से आपस में रहकर के सद्भाव के साथ जो है तो ये इस दिशा में मतलब कि सोचने की ज़रूरत है ना। वहीं जैसे कि मुस्लिम समुदाय कुछ नेता है जो तो सामाजिक जो स्ट्रक्चर है तो उसमें भी भावनात्मक और भी चीज़ें जो है तो वो करके इसको बिखराव जैसी स्थितियाँ बनाना चाहते हो, तो वर्तमान समय जैसे कि कुछ इसके लिए जो है तो युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है ना, कि वे समुदाय में इन चीज़ों को अंधानुकरण करने के बजाय कि किसी भी मतलब कि बिना कुछ सोचे समझे ही है ना किसी की बातों पे अगर के ही जो है तो कुछ गलत एक्शन लें, तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वे अपनी जो सोच है और कहें कि जो ताकत हो उसको देश के निर्माण के रूप में कैसे उसको सकारात्मक कार्यों में लगाने की ज़रूरत है ना। जैसे कि मध्यकालीन यूरोप में जब धार्मिक व्यक्तियों द्वारा बौद्धिक उत्पीड़न अपने चरम पर था ना और इतिहास को धीरे धीरे मिटाया जा रहा था, तब वहाँ जो कुछ ही लोगों ने क्या किया था कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन छेड़ा था जिसे विश्व पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है ना। वो हम मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री का ये पार्ट भी था कि जिस प्रकार से जैसे कि ये देखा जाए कि एक ऐसा आंदोलन था जिसने कि न सिर्फ उनके जीवन को बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा देख सकते हैं कि जैसे कि पुनर्जागरण ने मानवता को आधुनिक सभ्यता के मार्ग पर आगे भी बढ़ाया है ना। जैसे कि उसका रिजल्ट ये भी देखने को लगा, आज हम देख भी रहे हैं जैसे जो केवल एक समाज या एक देश तक ही सीमित नहीं बल्कि समस्त मानव जाति तक पहुंचा है ना। तो पुनर्जागरण ने तो यूरोपीय लोगों की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया है, जो लोग स्वयं अंधकार के दलदल में मतलब कि कह सकते हैं कि धंसे हुए थे, तो उन्होंने तो अपनी इच्छा शक्ति से पूरी दुनिया की ही खोज कर डाली है ना। क्योंकि यदि हम बात करें रूढ़ता की जड़ता की बात करें तो वहाँ पास जो यूरोपियों में पहले इन्लाइटमेंट के पहले जिस प्रकार की रूढ़िवादिता वहाँ पास घर कर गई थी है ना, चर्चों में मिशनरियों ईसाइयों द्वारा जो जिस प्रकार से वहाँ पास काफ़ी कुछ अंधविश्वास बहुत ज़्यादा कैसे गहराई तक जड़े जमा चुकी थी, तो वहाँ पास भी जो जिस प्रकार से पुनर्जागरण की घटनाएँ मतलब जिस प्रकार से कह सकते कि वैज्ञानिक सोच इन चीज़ों का काफ़ी कुछ प्रसार हुआ, तो काफ़ी कह सकते हैं कि समाज में बहुत बदलाव भी देखने को मिले। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पास भी जैसे कि भारतीय मुस्लिम समुदाय को भी आज एक ऐसे ही बौद्धिक पुनर्जागरण की जरूरत है ताकि वे दशकों से फंसे जो पूर्वाग्रह हैं उनकी गहराइयों से बाहर निकल सकें, है ना। लेकिन इस तरह के आंदोलन की शुरुआत तब होगी जब हम जानते हैं कि और मानते हैं कि अतीत में हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं ना, इस चीज़ को हमें जब हमें पता होगा ना तो तब जो है तो हम इस दिशा में काफ़ी कुछ एक सकारात्मक दृष्टिकोण से वो कर सकेंगे ना, कोई पहल कर सकेंगे। तो कोई भी व्यक्ति या समाज इतिहास में वापस जाकर उसे दोबारा नहीं लिख सकता है, लेकिन एक कार्य हम सब निश्चित रूप से कर सकते हैं और वह ये है कि हम इतिहास से सबक लें, है ना। हमें अपने अतीत से सीखने की ज़रूरत है ताकि हम आने वाली जो पीढ़ी हैं उनके लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें, है ना। तो एक राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन तो उसके लोग ही होते हैं, तो ये भी स्वाभाविक है कि किसी भी राष्ट्र को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के नागरिक अपने राष्ट्रीय हित को ही सर्वोपरि रखें। धर्म तो फिर सेकेंडरी होता है ना, राष्ट्रीय हित को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देने की जरूरत बताया राइटर की तरह। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये तूफान से तबाही जो हाल ही में जो यहाँ पास वेस्ट बंगाल रीजन में जो बुलबुल साइक्लोन आया है तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है। किस प्रकार से वहाँ पास पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में बहुत ज़्यादा एक पास कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पास तबाही इस तूफान ने मचाई है ना। तो हालांकि इससे हम ये भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से वहाँ पास इंफ्रास्ट्रक्चर और भी जन धन मतलब इन चीज़ों की हानि हुई, तो इससे हम बात कर सकते हैं कि आपदा प्रबंधन की जो कह सकते हैं कि इसमें भी जिस प्रकार से पूर्व में चेतावनी इन चीज़ों की दे भी गई थी तो उसके हिसाब से जो है तो बेहतर तरीके से प्रिकॉशन नहीं बरते गए सर, है ना। इसीलिए इतनी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिला है ना। क्योंकि जैसे हम यहाँ पास थोड़ा सा देख सकते हैं कि है ना, तो यहाँ पास हम जैसे देखते हैं कि यहाँ पास कुछ समय जैसे कि देखें कि अभी तक
इस पे काफ़ी कुछ नुकसान भी देखे गए हैं, है ना, इस साइक्लोन की वजह से। तो मौसम विभाग तो हालांकि इसमें पहले ही वार्निंग दे चुका था, फिर भी काफ़ी कुछ मतलब कि कह सकते हैं कि एक्टिव पहले नहीं, टीमें ज़्यादा सतर्क पहले, है ना, और तब भी इसी प्रकार के नुकसान देख काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था वहाँ पास। तो तटीय राज्य होने की वजह से पश्चिम बंगाल को तो बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफानों का अक्सर सामना ही करना पड़ता है। तो इसमें यह भी सवाल उठता है कि क्या राज्य में आपदा प्रबंधन के काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंतजाम मतलब क्यों नहीं किए जा रहे हैं फिर, है ना। तो निश्चित तौर पे इस दिशा में भी देखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यदि बात करते हैं कि ऐसे तूफान पीड़ित जिलों में भी मतलब हालत काफ़ी ज़्यादा लोगों की ख़राब है, तो बड़े पैमाने पर राहत कार्यों की भी वहाँ पास ज़रूरत है ना। वहीं जो कुछ जैसे पेड़ बिजली के खंभे गिरने से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहीं देखने को मिला है। साथ ही साथ तो और भी चिंताजनक बात ये भी है कि तूफान से बड़ी संख्या में मतलब घर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा नष्ट हुए हैं, है ना। तो देखते हैं, हालांकि केंद्र सरकार ने भी तो मतलब कि राज्य को काफ़ी मतलब हर संभव मदद देने की बातें तो की हैं, लेकिन अक्सर देखने में ये भी आता है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद तो 2-3 दिन तक ये चीज़ें मतलब राहत काम पर ही चले जाते हैं, है ना। तो बस्तियों में जैसे कि हालांकि देखते हैं कि सरकारें तो फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आती है, लेकिन इस प्रकार की जो तबाही आती है तो इसके लिए एक प्रकार से कोई स्थायी समाधान या बेहतर तरीके से जो तो उसकी ज़रूरत है ना। क्योंकि यदि पहले से ही चीज़ें तो वहाँ पर आती ही रहती हैं, तो इसके लिए जो हमें बेहतर तरीके से अपने तंत्र को काफ़ी कुछ मजबूत किए जाने की जरूरत है ना। और इसमें तो जिम्मेदारी की बात करें तो सरकार और प्रशासन के लोगों को एक प्रकार से आसी होती है, तो वो भी ना हो पाता। तो ऐसी आपदाओं से निपटने के तो राज्यों के पास काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पुख्ता सूचना तंत्र, मौसम विभाग के एक सूचनाएं और आपदा प्रबंधन के पर्याप्त इंतजाम भी होने चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जगहों में ये भी देखने में आया कि सब कुछ हो जाने के बाद ही हमारी मतलब कि हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं जब घटनाएं मतलब घट जाती हैं। तो हालांकि जो चक्रवाती तूफान जैसी आपदा से निपटने में तो उड़ीसा से हमें निश्चित तौर पर सबक लेने की जरूरत है, किस प्रकार से उसने जो है तो भयावह उससे जो है तो वहाँ पास भी जब आया था तो उससे जो है तो किस प्रकार से बेहतर तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से उसने इससे निपटा था, है ना। तो जैसे बात करें कि हालांकि भारत में तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी और चेतावनी तो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सटीक भी साबित होने लगी हैं। तो बिगड़ते मौसम को लेकर के मौसम विभाग भी अलर्ट कर चुका था, तो लेकिन अब मौसम चक्र में इस प्रकार के जो बदलाव आए और बढ़ते तापमान से जो चक्रवाती तूफान, तो इस तेज़ आंधी बारिश ये जो आते हैं, तो इससे मौसम विज्ञानियों के लिए भी एक प्रकार से चुनौती के तौर पर इनको देखा मतलब कि चुनौती ही उत्पन्न करते हैं, है ना। लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे खासतौर से उत्तर भारत को जिस तरह से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है, तो उससे मौसम तंत्र से जुड़ी कई घटनाएं भी ऐसी हुई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, है ना। तो मौसम अब एक तरह से चुनौती के तौर पे ही मतलब कि चुनौती ही बन गया है। तो इसलिए प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए हमें काफ़ी कुछ मतलब कठोर और सॉलिड इंतजाम करने की जरूरत है, ताकि इस प्रकार की घटनाएं बार बार दोबारा मतलब कि ना हो। और जिस कुछ कुछ महान राष्ट्रीय हस्तियां ऐसी होती हैं जिनकी निष्ठा और सेवा राष्ट्र की रगों में हमेशा के लिए ही बस जाती है ना। उसमें से एक प्रमुख ये है तिरुनेल्लई नारायण अय्यर सेशन, यानी कि टीएन सेशन, है ना। इन्हें आज कह सकते हैं कि बात करें कि भारतीय चुनावी व्यवस्था ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर इन्हें देखा जा सकता है। जब भी कहीं भारत में लोकतंत्र या चुनाव की चर्चा होती है तो टीएन सेशन का नाम बड़े ही मतलब कि कह सकते हैं कि गर्व से लिया जाता है। आज जिस चुनाव व्यवस्था पर हम गर्व करते हैं, तो उस गर्व को गढ़ने में जो सर्वाधिक योगदान टीएन सेशन जी का ही रहा है ना। हम मोटे तौर पर यदि बात करते हैं कि 1991 से लेकर 1996 तक के पूरे लगभग इसमें जो है तो इस काल में इतिहास इसको एक ऐतिहासिक अध्याय माना जा सकता है ना। इसमें जो है तो सेशन ने अपनी किस प्रकार से ईमानदारी, कर्मठता, सबसे बढ़कर किस प्रकार से निडरता से जो है तो कितने मतलब कि उनके जो एक्शन रहे हैं इसमें काफ़ी कुछ सुधार की दिशा में उन्होंने कदम उठाए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अभूतपूर्व रहे हैं, है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि जैसे वो जो भ्रष्ट पक्षपाती कमियों से एक प्रकार से बोझिल चुनाव तंत्र था, उसकी एक प्रकार से मरम्मत वो इसीलिए कर पाए क्योंकि वो ईमानदार थे, है ना। वो ईमानदारी ही नहीं जो तो उन्हें देश सेवा में काफ़ी ज़्यादा कर्मठता के लिए प्रेरित किया, और ईमानदारी और कर्मठता के कारण ही उनकी जो निडरता है उसका देश को काफ़ी लाभ भी हुआ है ना। तभी तो वो एक प्रकार से अविस्मरणीय आज भी मतलब कि वो है ना। इसकी तलाश जैसे भारतीय लोकतंत्र को 40 वर्षों से थी, जैसे जब वो रिटायर होकर के सामान्य जीवन जीने लगे थे, तब भी जो लोग उन्हें काफ़ी कुछ मतलब कि काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि नहीं भुलाया जा सकता था, है ना। तो जैसे कि जिन लोगों ने 1990 के पहले के चुनावों को देखा है, तो उन्हें तो कह सकते हैं कि जो सेशन जी के मतलब कि होने का मतलब तो बेहतर तरीके से पता ही होगा, किस तरह से उन्होंने सरकारें अपने हिसाब से अधिकारियों को चुनाव के समय पदस्थ करती थी, है ना। तो उसमें जो है तो कई मतदान केंद्रों को भी लूट लिया जाता था उसके पहले, जब टीएन सेशन जी से पहले, है ना। और जैसे कि
चुनाव व्यवस्था पर स्थानीय दबंग अपराधियों काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाते थे पहले, है ना। तो ऐसे में जब सेशन पहले ऐसे चुनाव आयोग थे जिन्होंने कि चुनाव प्रशासन को चुनाव आयोग के निर्देशों पर चलाना शुरू किया था, है ना। उन्होंने एक प्रकार से पूरा पूरी कमान ही संभाली थी बेहतर तरीके से, इसमें पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त और पूरी तरह से कह सकते हैं कि निष्पक्ष चुनाव के लिए काफ़ी कुछ इन्होंने पहल की, इन्होंने शुरुआत की थी बेहतर तरीके से चुनाव की प्रणाली को उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने में, है ना। तो पहले पहली बार तो उन्होंने आचार संहिता को मजबूती से लागू किया था, है ना। वहीं पहली बार धन और बल के जोर पर होने वाले चुनावी खिलवाड़ थे उसमें भी उन्होंने शिकंजा कसा था कड़ाई के साथ, साथ ही साथ सुरक्षा बलों को भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बड़ी जिम्मेदारी देकर उन्होंने तैनात किया था। तो देखें कि वही पहली बार जो है देश पुख्ता मतदाता पहचान पत्र की भी और मतलब कि बढ़ाता इन्हीं के समय, तो काफ़ी कुछ जो चुनाव के मतलब कि आज हम जो चुनाव प्रणाली देख रहे हैं तो ये जो है तो इसमें जो इस प्रकार की मतलब कि सख्त इसमें सुधार और बेहतर तरीके से जो पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त, निष्पक्ष चुनाव ये चीज़ें आज देखने को मिल रही हैं। तो ये तो टीएन सेशन के समय से ही इन्होंने जो इसमें काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन किए थे, सुधार किए थे, उसी के आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है ना। तो सेशन जो है तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए हमेशा ही एक कह सकते हैं कि मिसाल ही रहेंगे, है ना। और उन्होंने इसको सिद्ध भी किया है कि अधिकारी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। संविधान ने तो आयोग को शक्तियाँ पहले भी दे रखी थी पर उन शक्तियों को बेहतर तरीके से लोगों ने एक प्रयोग नहीं किया था, जिस प्रकार से सेशन जी ने नैतिक पल और इसका बेहतर तरीके से शक्तियों का उपयोग किया है ना। तो समझ गया था कि संविधान ने निष्पक्ष चुनाव कराने की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तो वो चुनाव आयोग को ही दे रखी है। तो उन्होंने एक प्रकार से कह सकते कि चुनाव आयोग का बेहतर तरीके से किस प्रकार से जो चुनाव आयोग जिस काम के लिए बनाया गया है तो उसका एक प्रकार से सदुपयोग करना उन्होंने ही बेहतर तरीके से सिखाया है ना। तो ये तो चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे ताकि मतदान सही और बाकी चुने हुए लोगों की सरकार बनाए। तो सेशन की यादों के साथ जुड़े हुए एक प्रकार से कह सकते जो अनायास उनके हमेशा जो उनकी यादें हैं तो निश्चित रूप बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चुनाव के संदर्भ में तो निश्चित रूप वो बेमिसाल उनके कदम माने जा सकते हैं, है ना। तो जैसे कि हैं कि जैसे सेशन रिटायर होने के बाद भारतीय व्यवस्था में अपने लिए जो तो सरकार जो उन्होंने भूमिका तलाशते रहे, हालांकि मनचाहा जो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पास कि भारत का लोग आज सेशन को तहे दिल से श्रद्धांजलि भी दे रहा है। भारतीय शासन प्रशासन उन्हें तभी सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएगा जब व्यवस्था में ईमानदार, कर्मठ और निडर अधिकारियों को एक प्रकार से और आगे लाया जाएगा। उसके लिए हम मान सकते हैं कि जो टीएन सेशन जी के कार्य मतलब उनके जो काम थे, कार्य करने कार्य प्रणाली थी, काम करने का जो तरीका था, है ना, बेहतर तरीके से ईमानदारी पूर्वक, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो आने वाली जो ईमानदार आने वाली जो अधिकारी संवर्ग हैं ना, तो उनको तो उनके लिए एक बेहतर तरीके से कह सकते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पर उनको जो है तो सेशन जी जो तो उनके उस पर जाने जाएंगे ना। तो बस आज के इस आर्टिकल में इतने दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।